यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित। 12वीं में रजनीश और आकाश, 10वीं में इलाहाबाद की अंजलि वर्मा ने किया टॉप। रामलीला मैदान में कांग्रेस की जनाक्रोश रैली, राहुल बोले देश में कुछ भी नहीं बदला। मन की बात के 43वें संस्करण में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला एथलीटों ने हमें गौरवान्वित किया। कांग्रेस की जनाक्रोश रैली पर अमित शाह का पलटवार, बोले आक्रोश देखना है तो लगातार मिल रही हार को देखें। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पलट गई यात्रियों से खचाखच भरी बस, 9 लोगों की मौत। गोरखपुर ऑक्सीजन हादसे में 8 महीने बाद जेल से बाहर आए डॉक्टर कफील खान। कांग्रेस नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी पर लगाया देश को धोखा देने का आरोप, बोले राहुल लाओ देश बचाओ। आईपीएल में आज होंगे 2 मुकाबले, पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद और दूसरा कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच।